रेलगाड़ी पर बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी रेलवे की तरफ से आई हुई है। वो खुशखबरी ये है कि अब यात्रियों को पटना से राजगीर जाना हुआ काफ़ी आसान। यात्रियों को रेलवे ने दी सौगात, पटना राजगीर पटना स्पेशल एक्सप्रेस 03:50/03:49 दैनिक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि यह दैनिक ट्रेन का परिचालन भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 से हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी एवं भाजपा विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद थे, जहां इस मौके पर पटना जंक्शन पर यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं था और यात्रियों की काफ़ी भीड़ जंक्शन पर देखने को मिली। बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर देखी गई और लोगों में खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। तो यह तस्वीर जो है यह पटना जंक्शन की है और ये पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 की है, जहां से दैनिक ट्रेन जो पटना से राजगीर जाएगी उसका परिचालन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर पटना जंक्शन से आ रही है, जहां से रेलवे के द्वारा यात्रियों को बड़ा सौगात दिया गया, तोहफा दिया गया है, जिसमें अब रेल यात्री जो है वो दैनिक ट्रेन में बैठ कर के पटना से राजगीर जा सकते हैं। तो पटना से राजगीर जाने के लिए अब बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रेन जो है दैनिक परिचालन करेगी पटना टू राजगीर। तो अब राजगीर का सैर करना, राजगीर जू सफारी, ये तमाम राजगीर की जो जगह है उसको देखना अब पटना से राजगीर आसान बन गया है, क्योंकि जो दैनिक ट्रेन चली हुई है इससे पटना और राजगीर की दूरी भी कम होगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, जहां से रेलवे का जो शुरुआत हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है। 9:20 चलेगी और 3:20 पे लौटेगी और ये ट्रेन पटना से चलेगी, राजेंद्र नगर में रुकेगी, गुलजारबाग में रुकेगी, पटना साहिब में रुकेगी, फतुहा में रुकेगी और उसके बाद आपके खुसरोपुर में रुकेगी, करौटा, हरनौत, बिहार शरीफ, नालंदा, इसमें बख्तियारपुर छूटा हुआ है। जयंत बाबू, मेरा आपसे आग्रह है बख्तियारपुर भी इसमें ऐड कर दीजिए। जयंत जी, हो गया, देखिए बख्तियारपुर ऐड हो गया। तो अब सतेंद्र बाबू, अब आप जाइए तो उस ट्रेन से आप फतुहा जाइए, वहाँ के लोगों को बताइए, और बख्तियारपुर में भी लोग रहें, करौटा में लोग रहें, खुसरोपुर में लोग रहें और इसका स्वागत करें कि ये भारत सरकार के प्रयास, रेलवे प्रशासन के प्रयास और थोड़ा बहुत आपके सांसद के प्रयास के कारण ये ट्रेन चल रही है। इसमें करौटा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, माँ का पूज्य स्थान है, वहाँ के लोगों की बहुत अपेक्षा थी, तो ये ट्रेन वहाँ भी रुकेगी। इसी तौर पे पटना और राजगीर के बीच के रेल यात्रियों के लिए यह सुविधा का पिटारा लेकर आया है, सुविधा देने आया है। ये अपने आप में